बात की जाए तो छात्र संघ के निवर्तमान अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी और एसएफआई के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अरविंद सिंह ने छात्र संघ चुनाव में यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस पर गड़बड़ी के इल्जाम लगाए, गंभीर इल्जाम। एसएफआई के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अरविंद सिंह भाटी ने कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। भाटी ने कहा कि कॉमर्स फैकल्टी का मतदान केंद्र जानबूझकर बदला गया, इसके लगातार शिकायत की गई लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं की गई। कई विद्यार्थियों ने अपने आईडी प्रूफ तक फाड़ डाले, आइडेंटिटी जो कार्ड थे वो फाड़ डाले और प्रेस वार्ता के बाद एसएफआई जो कैंडिडेट है अरविंद सिंह भाटी और निवर्तमान अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी कमला नेहरू महिला यूनिवर्सिटी के मतगणना केंद्र पर धरने पर बैठे। को इतनी ताजपोशी करनी है तो फिर ये चुनाव मत करवाओ, आप ऐसा करो किसी को आप मनोनीत कर लो, ये चुनाव की प्रक्रिया रहने दो, ना विद्यार्थी परेशान होंगे, ना कोई छात्र नेता बनने की चाह रखते हैं, ना हम लोग परेशान होंगे। ड्रास्टिकली वोटिंग परसेंटेज लास्ट के कुछ घंटे में बढ़ना, ये सारी चीजें दर्शाता है इस बार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। छात्रों की जो इच्छाएं थी, छात्र जिसको वोट देकर जिताना चाहते थे उनको रौंदा गया। यहाँ पे फर्जी वोटिंग हो रही है, उसका जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पुरजोर विरोध किया तो ये अपने कार्रवाई से मुकर है। मैं कह रहा हूँ कि चार कैंडिडेट मैं सक्षम पेश करूंगा, क्या आप उस कैंडिडेट के जिन्होंने वोट देने का उनके खिलाफ यहाँ कार्रवाई करोगे? आप इनसे जवाब मांगो, ये आना भी नहीं जवाब दे सकते। मैंने उनको कैंडिडेट को पकड़ा, उन कैंडिडेट को मेरे को पता है वो कहाँ पे रह रहे हैं और वहां से इनको पुलिस प्रशासन ने बिना कुछ कार्रवाई करके रिहा किया है क्योंकि कांग्रेस सरकार ने ऊपर से फोन किया गया। तो ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे जो सहयोगी बीते दिन भी